तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपके सारे नोटिफिकेशन आ जाएँ। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और साथ में मेरे एरेफल प्लेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको एरेफल पसंद आती है तो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं एरेफल शूटिंग वीडियोज़, पावर वीडियोज़, रिव्यू वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी आर्म्स फोर्स M16 हरिकेन राइफल, और इसके ऊपर मैं आज आपको एक बहुत अच्छी वीडियो बनाकर बताने लगा हूँ। तो वीडियो क्या है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे के रखा है, वो कमेंट्स में भी है, वो नंबर कमेंट्स में भी डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी आपका आ रहा होगा। अगर आप कोई भी एयर राइफल, एयर राइफल एक्सेसरीज, पैलेट्स खरीदना चाहते हैं तो उस नंबर पे प्लीज़ एक बार व्हाट्सएप कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताना था, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इससे मेरे को बहुत हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये अपनी आर्मर, तो इसके अंदर एक जैसे अगर आप मेरे पुराने व्यूअर तो आपको पता होगा, इसमें एंटी बेयर ट्रैप सिस्टम है, इसमें एक्सटर्नल सेफ्टी नहीं है कोई भी प्रेसियोल की तरह, इसमें एंटी बेयर ट्रैप सिस्टम है। एंटी बेयर ट्रैप सिस्टम क्या होता है कि अगर आप एक बार गन को दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे लोड कर लेते हैं ना, मतलब कॉक कर लेते हैं, तो मैंने ट्राई किया हुआ है, आप वैसे ट्राई मत कीजिएगा, जितना भी डम लगा लेना ये ट्रिगर मतलब ट्रिगर नहीं दबेगा, तो मतलब जब तक बैल नीचे तब तक गन नहीं चलेगी। तो इसलिए आप इसको एक बार कॉक करने के बाद डीकॉक भी नहीं कर सकते। तो अगर पैलेट अंदर डला हुआ है तो आपको बंद करके इसको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो डेंजरस काम है, क्योंकि आप कहेंगे कि यार इतनी देर तक कॉक करके रखनी गन, ज़्यादा तक कॉक करके भी नहीं रखनी चाहिए, और पैलेट है तो आपको डीकॉक करने का भी मन करेगा। पर कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप एक आपके पास उपाय है कि हाँ तो आप इसको फायर कर दीजिए तब भी ये डीकॉक हो जाएगी, पर कई बार हम फायर नहीं कर सकते क्योंकि ड्राई फायर करना ख़राब होता है, और हर बार पैलेट अगर पैलेट अंदर है तब तो हम कमरे के अंदर ड्राई फायर कमरे के अंदर फायर कर ही नहीं सकते। तो इसको डीकॉक करने का तरीका बताता हूँ, अगर आप ऐसे ही रख के इसका ट्रिगर दबाने की कोशिश करेंगे नॉर्मल गन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने खुद ट्राई किया है, ट्रिगर आपका चाहे मुड़ जाए पर ये दबेगा नहीं, इसकी सेफ्टी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंटी बेयर ट्रैप सिस्टम। इसको सेफ्टी को बायपास करने का तरीका क्या है, एक बार बैरल बंद कीजिए फिर खोलिए, जब आपने ऐसे किया ना तो आपका सेफ्टी सिस्टम वो हो चुका है बायपास, अब ट्रिगर दबाइए, ये देखिए दब गया ट्रिगर और ये बैरल आराम से ऊपर आ गया। ये देखिए दोस्तों, इसे बंद कर लीजिए तो ये हो गया, तो सेफ्टी अब ये देखिए बिल्कुल सेफ है, सेफ्टी हमने बायपास कर ली, ये गन डीकॉक हो चुकी है। अगर बिना एक बार बैरल को बंद किए जैसे मैंने आपको तरीका बताया वैसे करते तो ट्रिगर दबता ही नहीं, क्योंकि सेफ्टी सिस्टम है एंटी बेयर ट्रैप। और अगर ऐसे ही बंद कर देते तो ये गन कॉक रहती, जिसकी वजह से ये डेंजरस है, क्योंकि शूट हो सकती है पैलेट अंदर हो तो और डेंजरस है, इसलिए आप ये इसको डीकॉक करने का तरीका है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो आई हो। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कोई भी आपकी कमेंट है, क्वेरी है नीचे लिख दीजिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। साथ में कुछ भी बाय करना हो तो एक नंबर तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में दिया है, उसको भी देख लीजिए। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।